बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 थ्रेड्स के बारे में। बेसिकली इसके रिलेटेड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड हम चैप्टर नंबर 1, 2, 3 को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अगर मैं आपको चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 2 की एक ब्रीफ आउटलाइन के बारे में बताऊं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो इसमें हम पढ़ चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है। इसके अलावा हम देख चुके हैं कि सिस्टम इंटरफेसेस कौन कौन से हैं। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि दो तरह से इंटरफेसेस हैं, जैसे हम यूज़ करते हैं कमांड लाइन इंटरफेस है, इस तरह से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, और इस तरह से हमने सिस्टम कॉल्स के बारे में कंप्लीट डिटेल पढ़ी है, सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं और ये किस तरह से काम करती हैं। इसके अलावा जो है हम सिस्टम कॉल्स की डेफिनेशंस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। बेसिकली हमने ये पढ़ा कि सिस्टम कॉल्स क्या हैं और सिस्टम के अंदर एक सिस्टम कॉल्स की जो है वो क्या इम्पोर्टेंस है। इसके बाद हमने सिस्टम प्रोग्राम्स को पढ़ा, सिस्टम प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, और इसके अलावा हमने सिस्टम प्रोग्राम्स के अंदर एक जो उसका सब पार्ट था एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, हमने वो भी देखा। बेसिकली हमने ये पढ़ा कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि यूज़र की नीड के लिए इंस्टॉल किए जाते हैं, जबकि सिस्टम प्रोग्राम्स ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हम सिस्टम की नीड के अकॉर्डिंग इंस्टॉल किए जाते हैं और वो ऑलरेडी सिस्टम में बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। इसके बाद हमने देखा जी ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है और उसकी किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, इसको हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, और इसके बाद हमने ऑपरेटिंग सिस्टम डीबगिंग के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने बात की थी डी ट्रेस की। इसके अलावा परफॉर्मेंस ट्यूनिंग की कि किस तरह से जब सिस्टम के अंदर ओवरलोडिंग हो जाती है तो उसको हम किस तरह से फिर डीबग करते हैं, और इसके बाद हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेशंस के बारे में। इसके अलावा हमने चैप्टर 1 में लास्ट पे पढ़ा सिस्टम बूट के बारे में, किस तरह से जब कंप्यूटर आपका स्टार्ट होता है तो उसको जो है वो किस तरह से बूट किया जाता है और वो किस तरह से काम करता है। इसके बाद हमने देखा चैप्टर नंबर 2 के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमने देखा कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन हमें क्या कहती है, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करती है, और इसके बाद हमने देखा कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या है। ठीक है जी, कंप्यूटर सिस्टम का क्या आर्किटेक्चर है, और इसके बाद हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करवाता है। इसके बाद हमने देखा प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, स्टोरेज मैनेजमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी के बारे में एक ब्रीफ इंट्रो मैं आपको दे चुकी हूँ। कर्नल डेटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं जो कि आप ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस सेमेस्टर में। इसके अलावा हमने कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स की बात की, और लास्ट में हमने बात की ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। सो ये एक जो है ना ब्रीफ आइडिया था आपके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के हवाले से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 3 की, तो चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ चुके हैं प्रोसेस के कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें हमने पढ़ा कि प्रोसेस जो है वो किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, प्रोसेसेस की जो है वो क्या डेफिनेशन है। इसके अलावा हमने इसमें देखा कि प्रोसेस जो है वो शेड्यूलिंग क्या है। सॉरी फॉर द इंटरप्ट, जस्ट वेट अ लिटिल सेकेंड। ओके, सो इसमें हमने प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ा, प्रोसेस शेड्यूलिंग किस तरह से की जाती है, और इसमें हमने शेड्यूलर के बारे में पढ़ा, और फिर शेड्यूलर की टाइप्स को हमने देखा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के बारे में पढ़ा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या है, इस तरह से मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या है। इसके अलावा हमने ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा, ऑपरेशंस ऑन प्रोसेसेस किस तरह से प्रोसेसेस पे जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करवाए जाते हैं, लाइक प्रोसेस क्रिएशन है, प्रोसेस टर्मिनेशन है। इस तरह से हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन।
आईपीसी, जिसके अंदर हमने डिफरेंट मॉडल्स को डिस्कस किया। लाइक हमने मैसेज पासिंग की बात की, और एक हमने शेयर्ड मेमोरी की बात की, और इसके अलावा हमने फिर शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग के अंदर डिटेल्स जो मेथड्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने एग्जांपल्स ऑफ आईपीसी सिस्टम्स को पढ़ा, और लास्ट वन पे हमने पढ़ा कम्युनिकेशंस इन क्लाइंट सर्वर सिस्टम्स, किस तरह से एक क्लाइंट सर्वर सिस्टम के अंदर कम्युनिकेशन करवाई जाती है, जिसके अंदर हमने डिफरेंट मॉडल्स को पढ़ा। लाइक हमने सॉकेट्स की बात की, और हमने पाइप्स के बारे में पढ़ा, और इस तरह से हमने आरपीसी के बारे में पढ़ा। सो ये एक ब्रीफ आइडिया था आपके चैप्टर 1, 2 और 3 के रिलेटेड। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्रेड्स को। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर थ्रेड्स क्या है, इसका ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुकी हूँ कि जब हम एक बात करते हैं एक प्रोसेस की, सो प्रोसेस का जो एक सब पार्ट है उसको हम कहते हैं जी थ्रेड। थ्रेड बेसिकली एक यूनिट है सीपीयू की एग्जीक्यूशन को मेजर करने के लिए। अगर मैं बात करूँ प्रोसेस की, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस जो है एक प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन में होता है तो उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। अब प्रोग्राम क्या होता है, जब हम एक कोड सी लैंग्वेज में, जावा में, या जिस लैंग्वेज में भी आप उसको राइट करते हैं वो आपका एक प्रोग्राम कहलाता है। अब वो प्रोग्राम आपका स्टोर होता है रोम के अंदर, उसको जब जो है रोम से रैम के अंदर, और रैम से फिर हम उसको सीपीयू को एलोकेट करवाते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। सो एक प्रोग्राम को जब हम प्रोसेस करवा देते हैं, उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करवा देते हैं, तो वो एक प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, अब एक प्रोसेस के जो है वो डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं, सब पार्ट्स इनको हम कह सकते हैं, और उन सब पार्ट्स को हम कहते हैं जी थ्रेड्स। सो हम डिस्कस करते हैं थ्रेड्स की आउटलाइन के बारे में। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली हम सबसे पहले इसके ओवरव्यू के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 के ओवरव्यू के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे मल्टी कोर प्रोग्रामिंग के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद थ्रेड लाइब्रेरीज को देखेंगे, और इसके बाद हम पढ़ेंगे इम्प्लीसिट थ्रेडिंग। बेसिकली दो तरह से थ्रेडिंग की जा सकती है, एक होती है इम्प्लीसिट थ्रेडिंग और एक होती है एक्सप्लीसिट थ्रेडिंग। सो बेसिकली हम दोनों को डिस्कस करेंगे, लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो है वो हम डिटेल में देखेंगे इम्प्लीसिट थ्रेडिंग को। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे थ्रेडिंग इश्यूज़, कौन कौन से इश्यूज़ जो हैं वो थ्रेडिंग के अंदर क्रिएट होते हैं, और फिर उनको किस तरह से जो है वो मैनेज किया जाता है। लास्ट वन पे हम देखेंगे जी ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर थ्रेड्स की क्या क्या एग्जांपल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह से। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली इस चैप्टर के हम लोग अगर देखें तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले है जी टू इंट्रोड्यूस द नोशन ऑफ अ थ्रेड, अ फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मल्टी थ्रेडेड कंप्यूटर सिस्टम। अब बेसिकली मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो थ्रेड है वो सीपीयू का एक यूनिट है, सीपीयू यूटिलाइजेशन को मेजर करने के लिए एक यूनिट है। लाइक डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, जैसे हमारे वेट को मेजर करने के लिए जो है वो एक प्रॉपर यूनिट है जिसको हम केजी बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम को हम सेकंड्स में मेजर करते हैं। अब देखें हर एक चीज़ का जो है वो एक डिफरेंट यूनिट है, जिसकी बेस पे हम उसकी कैपेसिटी और उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। अब बेसिकली जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन है उसको मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट है, सो अगर ये ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट या जैसे भी ये क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर ये है कि सीपीयू की यूटिलाइजेशन को मेजर करने के लिए जो उसका यूनिट है उसको हम कहते हैं जी थ्रेड। इसके बाद हम पढ़ेंगे टू डिस्कस द ऑब्जेक्टिव है टू डिस्कस द APIs फॉर पी थ्रेड्स विंडोज एंड जावा थ्रेड लाइब्रेरीज टू एक्सप्लोर सेवल सेट स्ट्रेटजीज दैट प्रोवाइड इम्प्लीसिट थ्रेडिंग। हम इम्प्लीसिट थ्रेडिंग को जो है वो कौन कौन से जो है वो स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। टू एग्जामिन इशूज रिलेटेड टू मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग। लास्ट पे इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू कवर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट फॉर थ्रेड्स इन विंडोज एंड लिनक्स। सो पहले मोटिवेशन देख लेते हैं इस चैप्टर की जो है वो मोटिवेशन क्या है। मोस्ट मॉडर्न एप्लीकेशंस आर मल्टी थ्रेडेड। आपकी जो मॉडर्न एप्लीकेशंस जितनी भी हैं वो क्या हैं जी आपकी मल्टी थ्रेडेड है।
थ्रेड रन्स विद इन एप्लीकेशन, जो थ्रेड्स होते हैं वो एक एप्लीकेशन के अंदर ही रन कर रहे होते हैं। अब अगर मैं मल्टी थ्रेडेड की बात करूँ ना, जैसे इसने कहा कि जितने भी मॉडर्न एप्लीकेशंस हैं वो मल्टी थ्रेडेड हैं, अगर हम इवन मोबाइल सिस्टम्स की मोबाइल एप्लीकेशंस की बात करें तो वो भी मल्टी थ्रेडेड हैं। जैसे आपको पता है हमारे जो प्रोसेसर्स हैं वो आजकल ऑक्टा कोर, ड्यूअल कोर या क्वाड कोर हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो डिवाइड होकर सबके पास जाए, तो इसके लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, मल्टी थ्रेडेड का कॉन्सेप्ट। सो मल्टीपल टास्क विद एप्लीकेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाई सेपरेट थ्रेड्स, जिसमें हम देखेंगे अपडेट, डिस्प्ले, फेच डाटा, स्पेल चेकिंग, आंसर आर नेटवर्क रिक्वेस्ट। उसके बाद है जी, प्रोसेस क्रिएशन इज़ हैवी वेट वाइल थ्रेड क्रिएशन इज़ लाइट वेट। सो बेसिकली ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि प्रोसेस का जो एक सब पार्ट है उसको हम कहते हैं थ्रेड। सो एक प्रोसेस को क्रिएट करना वो एक हैवी वेट टास्क है, और बजाय इसके कि एक थ्रेड को क्रिएट कर दिया जाए और उसको एक अलहदा से काम जो है वो असाइन कर दिया जाए, वो एक लाइट वेट टास्क है। सो बेटर ये है कि थ्रेड को क्रिएट कर दिया जाए बजाय एक पूरे प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए। इसके बाद है जी, कैन सिंप्लीफाई कोड इंक्रीज एफिशिएंसी। इसने कोड को सिंप्लीफाई कर दिया और एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दिया थ्रेडेड की वजह से। कर्नल्स आर जनरली मल्टी थ्रेडेड। कर्नल्स की अगर हम बात करें तो वो मोस्टली जो है वो आपके पास मल्टी थ्रेडेड होते हैं। सो ये था आपके पास मोटिवेशन के हवाले से। नेक्स्ट है जी हमारे पास मल्टी थ्रेडेड सर्वर आर्किटेक्चर। सो इसको समझाया गया एक डायग्राम के थ्रू। फर्स्ट वन पे अगर आप देखें तो आपके पास एक क्लाइंट है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर से जो भी उसको चाहिए है, मतलब जो भी उसका टास्क है या जो भी उसने काम परफॉर्म करवाना है तो वो सर्वर को रिक्वेस्ट करता है। डेफिनेटली ये आप सबको पता है। आप सर्वर क्या करता है, सर्वर जो है वो एक थ्रेड क्रिएट करता है, ठीक है जी। आप थ्रेड क्रिएट कर देगा और थ्रेड को जो भी उसका प्रोसेस है या जो भी उसका वर्क है वो उसको साइन कर देगा, ठीक है। अब इसमें पॉइंट नंबर टू पे है, क्रिएट न्यू थ्रेड टू सर्वर्स द रिक्वेस्ट। ये थ्रेड को क्रिएट करेगा जो सर्वर्स को रिस्पॉन्ड करेगी। अब थर्ड नंबर पे यहाँ पे ऑप्शन है, रिज्यूम लिसनिंग फॉर एडिशनल क्लाइंट रिक्वेस्ट। मतलब अगर आपकी कोई एडिशनल रिक्वेस्ट है तो इनको ये क्या कर देता है, रिज्यूम कर देता है, ठीक है जी। आपने रिज्यूम और पॉज का ऑप्शन तो आपको पता होगा, आप अक्सर जब इंटरनेट से डाउनलोडिंग कर रहे होते हैं तो अक्सर जब नेट की स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है तो आपकी जो वीडियो डाउनलोड हो रही होती है वो क्या हो जाती है, वो पॉज हो जाती है। दैट मीन्स वो उसी मोमेंट पे रुक जाती है। तो आप क्या कहते हैं, जब आपकी नेट स्पीड ठीक होती है तो उसको आप रिज्यूम कर देते हैं। रिज्यूम का मतलब ये होता है कि आप उसको अगेन जो है वो उसको डाउनलोडिंग पे लगा देते हैं, वो रिज्यूम हो जाती है। अब इसी तरह से अगर आपके पास कोई एडिशनल रिक्वेस्ट पड़ी है ना तो उसको आप क्या कर देंगे, रिज्यूम कर देंगे। इसके बाद है जी हमारे पास बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या हैं मल्टी थ्रेडेड के, इसको हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली सबसे पहला जो आपके पास बेनिफिट है वो है रिस्पॉन्सिवनेस। सो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, रिस्पॉन्सिवनेस। मल्टी थ्रेडेड से किस तरह से जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो इंक्रीज हुआ। मे अलाउ कंटिन्यूड एग्जीक्यूशन इफ पार्ट ऑफ प्रोसेस इज ब्लॉक्ड, स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर यूज़र इंटरफेस। सो अगर इसको मैं आप डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करूँ तो आपको पता है कि अगर मैं एक जनरल टर्म में बात करूँ कि अगर एक जो टास्क है वो एक स्टूडेंट ने परफॉर्म करना है, ठीक है, तो उसको जाहिर है अगर काम जो है वो ज़्यादा है, असाइनमेंट लॉन्ग है, तो उसको दो दिन लग जाएंगे। अब अगर उसी असाइनमेंट को दो या दो से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको परफॉर्म करेंगे तो वो डेफिनेटली वो एक दिन में असाइनमेंट जो है वो आपकी कम्प्लीट हो जाएगी। सो मल्टी थ्रेडेड का हमें ये फ़ायदा हुआ कि एक प्रोसेस जब आपका रन होता है तो उस प्रोसेस के हम सब पार्ट्स क्रिएट कर देते हैं। सो उससे क्या हेल्प होती है कि हम उस प्रोसेस को जब सब टास्क में डिवाइड कर देते हैं तो हम उसका एक एक हिस्सा जो है वो उस मल्टी थ्रेड्स को जो है वो असाइन करवा देते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो काम है वो जल्दी हो जाता है, जिससे आपकी रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो डेफिनेटली इससे अगर हम देखें रिसोर्स शेयरिंग को तो इससे रिसोर्स शेयरिंग भी हो रही है। मैंने आपसे ऑलरेडी चैप्टर नंबर थर्ड के अंदर डिस्कस किया कि एक प्रोसेस जो है, प्रोसेस के बारे में भी हमने पढ़ा और पीसीबी के बारे में भी हमने पढ़ा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक।
हमने ये पढ़ा कि एक प्रोसेस की जितनी भी डिटेल होती है वो पीसीबी के अंदर सेव होती है। अब एक प्रोसेस के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लाइक हमने पढ़ा भी है कि उसके अंदर स्टैक्स होते हैं, उसके अपने रजिस्टर्स होते हैं एक प्रोसेस के जब वो क्रिएट होता है, फिर उस प्रोसेस का एक प्रोग्राम काउंटर होता है, ठीक है। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सारी आपकी सेव हो रही होती है पीसीबी के अंदर। सो बेसिकली क्या होता है कि एक प्रोसेस जब भी क्रिएट होता है ये उसके साथ पार्ट्स भी क्रिएट होते हैं, ये उसको चाहिए होते हैं एग्जीक्यूशन करवाने के लिए। सो अब जब हम थ्रेड को क्रिएट करते हैं तो थ्रेड जो है, थ्रेड को क्रिएट करते वक्त ये सारे पार्ट्स की हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि थ्रेड जो है वो उसी प्रोसेस के जो पार्ट्स हैं उसी को वो शेयर कर लेता है। सो इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ कि एक थ्रेड को क्रिएट करने के लिए हमें अलग-अलग से रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। सो क्योंकि थ्रेड्स ने अपने ही पेरेंट प्रोसेस के जो रिसोर्सेज हैं उनको शेयर कर लिया है। सो इससे हमें ये एक बेनिफिट मिला कि रिसोर्स शेयरिंग हो गई। थ्रेड्स शेयर रिसोर्सेज ऑफ प्रोसेसेस इजियर देन शेयर मेमोरी आर मैसेज पासिंग। वही बात होगी कि अलग से क्रिएट करने की बजाय जो है वो उसी को अपने पेरेंट प्रोसेस के जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो उनको शेयर कर लेंगे। इकॉनमी इससे जो है वो बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हुआ। चीपर देन प्रोसेस क्रिएशन, थ्रेड स्विचिंग, लोअर ओवर हेड देन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। वही बात होगी कि देखें, जब आपकी रिसोर्स शेयरिंग हो गया तो उससे जाहिर सी बात है हमें नए रिसोर्सेज खरीदने की ज़रूरत तो नहीं है, तो इससे क्या हुआ हमारी इकॉनमी जो है उसका भी हमें फ़ायदा हुआ। थ्रेड स्विचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई। अब क्यों थ्रेड स्विचिंग फास्ट हो गई? क्योंकि एक प्रोसेस से जब दूसरे प्रोसेस के ऊपर हमें स्विच करना होता है तो उसके लिए फिर हमें कर्नल में जाना पड़ता है, जिससे हमें सिस्टम कॉल की ज़रूरत पड़ती है। सो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसके बरक्स अगर हम बात करें थ्रेड स्विचिंग की, तो इसमें ये क्या होता है कि एक प्रोसेस के अंदर जितने भी थ्रेड्स होते हैं ना वो उसी के अंदर स्विचिंग हो रही होती है। लाइक एक प्रोसेस है और उसके अंदर डिफरेंट थ्रेड्स हैं, तो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के ऊपर, दूसरे थ्रेड से तीसरे थ्रेड के ऊपर। सो इससे हमें जो है वो सिस्टम कॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही कर्नल को ये पता चलता है कि जो है थ्रेड स्विच कर रहे हैं या स्विचिंग किस तरह से हो रही है, या क्योंकि वो एक प्रोसेस के अंदर सारा काम हो रहा होता है। सो इससे जो है वो हमारी थ्रेड स्विचिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। इसके बाद हमें जो फोर्थ एडवांटेज इसका हुआ वो है जी स्केलेबिलिटी। अब स्केलेबिलिटी का बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा किस सेंस में हुआ? प्रोसेस कैन टेक एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। ये अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। आप देखें, अगर हमारे पास एक मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर है, लाइक मैंने एक सिस्टम ख़रीदा और वो क्वाड कोर है, लाइक उसमें फोर प्रोसेसर हैं, अब हम जो प्रोसेस रन कर रहे हैं उसके उसके जो है वो थ्रेड्स नहीं हैं, ठीक है। अगर हम थ्रेड क्रिएट नहीं करते, एक प्रोसेस को वैसे ही हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो मुझे ये बताएं कि हमें फिर मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर का क्या फ़ायदा हुआ? क्योंकि एक प्रोसेस तो एक प्रोसेसर के ऊपर ही रन करेगा ना, तो बाकी जो तीन प्रोसेसर, मैंने जो सिस्टम ख़रीदा है इतना अच्छा जिसके अंदर तीन प्रोसेसर लगे हुए हैं, चार लगे हुए हैं, तो एक को तो मैंने यूटिलाइज़ कर लिया, फिर बाकी तीन प्रोसेसर का मुझे क्या फ़ायदा हुआ? सो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि मल्टी थ्रेडिंग का ये फ़ायदा हुआ कि अगर आपके पास एक सिस्टम है जिसके अंदर चार प्रोसेसर लगे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, जो आपका एक प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट होने के लिए आया है, आप उसको चार टास्क के अंदर डिवाइड कर देंगे। दैट मींस आप उसको फोर थ्रेड्स के अंदर डिवाइड कर देंगे और उन फोर को आप फोर प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूट करवा देंगे, जिससे आपकी रिस्पॉन्सिवनेस भी इंक्रीज़ हो जाएगी और स्केलेबिलिटी तो ज़ाहिर है फिर इंक्रीज़ हुई है। ये हमें जो है बेनिफिट्स थे कुछ थ्रेड्स के। इसके बाद हम देखते हैं जी मल्टी कोर प्रोग्रामिंग क्या है। बेसिकली जो भी मैं आपको लास्ट पॉइंट बता रही थी स्केलेबिलिटी वाला, इसके अंदर भी हम बेसिकली मल्टी कोर प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम इसी को डिस्कस करते हैं। मल्टी कोर और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स पुटिंग प्रेशर ऑन प्रोग्रामर्स चैलेंजेस इंक्लूड। अब जब हम मल्टी कोर या मल्टी प्रोसेसर की बात करते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रामर के ऊपर प्रेशर होता है कि आपने एक्टिविटीज़ को किस तरह से डिवाइड करना है। सबसे पहला जो पार्ट जो है वो इसके अंदर एक्टिविटीज़ को डिवाइड करने वाला जो है वो डिस्कस किया जाता है। इसके बाद है बैलेंस, जिसमें हम बात करते हैं लोड बैलेंसिंग के हवाले से, कि एक प्रोग्राम के अगर चार कंपोनेंट्स हैं
और चार ही कोर्स हैं, तो चारों पे इक्वली किस तरह लोड को बैलेंस करेगा वो ये भी प्रोग्रामर ही डिसाइड करेगा। डेटा को किस तरह से आपने स्प्लिट करना है, क्योंकि डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, तो डिफरेंट प्रोसेसेस के ऊपर आपने डेटा को किस तरह से स्प्लिट करना है ये भी प्रोग्रामर डिसाइड करता है। डेटा डिपेंडेंसी, अब चूंकि डेटा को मेन डेटा तो एक ही है ना, आपने उसको डिवाइड किया है फोर प्रोसेसेस के ऊपर, तो किस तरह कौन सा डेटा किस के ऊपर डिपेंड करेगा ये भी मैनेज करेगा एक प्रोग्रामर। और इसके लास्ट पॉइंट है टेस्टिंग एंड डीबगिंग के हवाले से, टेस्टिंग किस तरह से वो करेगा और डीबगिंग के हवाले से वो किस तरह से उसको मैनेज करेगा ये भी प्रोग्रामर डिसाइड करता है। इसके बाद है जी हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं पैरेललिज्म और कंकरेंसी का। अगर मैं बात करूँ पैरेललिज्म की, पैरेललिज्म एम्प्लॉयज अ सिस्टम कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क सिमल्टेनियसली। अब पैरेललिज्म में क्या होता है कि आप जो है मोर देन वन टास्क एट द सेम टाइम पे परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है जी, साथ साथ, मतलब एक दो तीन या जितने भी आप टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो साथ साथ एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है कंकरेंसी। कंकरेंसी सपोर्ट्स मोर देन वन टास्क मेकिंग प्रोग्रेस करने के लिए। कंकरेंसी बेसिकली कंकरेंट से निकला है, इसको हम कहते हैं कंकरेंट ट्रांजैक्शन एट द सेम टाइम जब परफॉर्म हो रही होती है। इसके बाद है जी सिंगल प्रोसेसर कोर शेड्यूलर प्रोवाइडिंग कंकरेंसी, मतलब इसमें जो है सिंगल प्रोसेसर कोर भी हो सकता है और शेड्यूलर प्रोवाइडिंग कंकरेंसी। शेड्यूलर जो है वो प्रोवाइड करेगा आपको कंकरेंसी की, किस तरह से आपने जो है वो कंकरेंसी को परफॉर्म करवाना है। इसके बाद है जी हमारे पास पैरेललिज्म की दो टाइप्स बेसिकली यहाँ पे डिस्कस की हैं, एक है जी डेटा पैरेललिज्म और दूसरी है टास्क पैरेललिज्म। अगर मैं बात करूँ डेटा पैरेललिज्म की, तो इसमें ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूट्स सबसेट्स ऑफ द सेम डेटा अक्रॉस मल्टीपल कोर्स सेम ऑपरेशंस ऑन ईच। अब डेटा पैरेललिज्म में हम ये कहते हैं कि डेटा को आपने सेम डेटा को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे मैंने ऑलरेडी पहले बात की कि डेटा मेन एक ही कैटेगरी का है, आपने उसको डिवाइड किया है, सो आप ही डिसाइड करेंगे कि किस तरह से आपने उसको लोड करवाना है, किस तरह से उसको स्प्लिट करवाना है। सो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्रामर की होती है। नेक्स्ट वन इज़ टास्क पैरेललिज्म, डिस्ट्रीब्यूटिंग थ्रेड्स अक्रॉस कोर्स, ईच थ्रेड परफॉर्मिंग यूनिक ऑपरेशन। टास्क पैरेललिज्म में प्रोग्रामर डिसाइड करता है कि एक टास्क को किस तरह से पैरालाइज किया जाएगा, किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अक्रॉस मल्टीपल कोर्स के ऊपर। नेक्स्ट लीजिए हमारे पास एज ऑफ थ्रेड्स ग्रोज, जिस तरह से जो थ्रेड है वो इंक्रीज हो रहे हैं, सो डज आर्किटेक्चर सपोर्ट्स फॉर थ्रेडिंग। जैसे मैंने ऑलरेडी पीछे डिस्कस किया है प्रीवियस स्लाइड में कि जिस तरह से थ्रेड इंक्रीज हो रहे हैं, उसी तरह से हमने ये इसको डिसाइड करना है कि हमारे जो मल्टी न्यू सिस्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये थ्रेड किस तरह से मैनेज किए जाएंगे। नेक्स्ट है जी सी पी यू हैव कोर्स एज वेल एज हार्डवेयर थ्रेड्स, सी पी यू के कोर्स भी और हार्डवेयर थ्रेड्स की भी वो बात करते हैं। बेसिकली थ्रेड्स की दो टाइप्स होती हैं, हार्डवेयर थ्रेड्स और इस तरह से आपके सॉफ्टवेयर लेवल थ्रेड्स भी होते हैं। कंसीडर और एकल स्पार्क T4 विद 8 कोर्स, ये एक एग्जांपल दी हुई है कि एक स्पार्क T4 एक सिस्टम है और एकल का जो कि 8 कोर्स को मैनेज करता है एंड 8 हार्डवेयर थ्रेड्स पर कोर। आप देखें उसके 8 कोर्स है और हर कोर जो है वो 8 हार्डवेयर थ्रेड पर कोर को जो है वो मैनेज करता है। दैट मींस 8 ही उसके कोर्स हैं और 8 एक कोर पे 8 थ्रेड को मैनेज किया जा सकता है। सो 8 8 64, सो बेसिकली एक सिस्टम के ऊपर 64 थ्रेड्स को वो जो है वो मैनेज कर सकता है। ये आपको समझ आ गया होगा अकॉर्डिंग टू मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। इसको अगर मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको शो करवाऊँ कंकरेंसी और पैरेललिज्म को, सो पहली जो डायग्राम है वो आपके पास है कंकरेंसी के हवाले से कि किस तरह से जो है वो कंकरेंट एग्जीक्यूशन होती है एक सिंगल कोर सिस्टम के ऊपर। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि आपके पास सिंगल कोर सिस्टम है कंकरेंसी के अंदर, लेकिन शेड्यूलर जो है वो उसको डिसाइड करता है। अब जैसे देखें शेड्यूलर डिसाइड करेगा, पहले T1 T2 आया, फिर T3 आया, फिर T4 आया, फिर अगेन जो है T1 आया,
T2 आया, T3 आया, ठीक है। इसके बाद अगर हम पैरेललिज्म की बात करें तो पैरेललिज्म में आप देख सकते हो कि इसमें दो कोर्स हैं और इसमें साथ साथ जो है वो एग्जीक्यूशन हो रही होती है, लाइक T1 भी चल रहा है और इसके बाद कोर 2 के ऊपर T2 चल रहा है, T3 चल रहा है कोर 1 के ऊपर, कोर 2 के ऊपर T4 चल रहा है साथ में। इस तरह से कोर 1 के ऊपर अगेन T1 चला और कोर 2 के ऊपर T2 चला, इस तरह से कोर 1 के ऊपर T3, T4 और सेम इस तरह से जो है वो कंकरेंसी और पैरेललिज्म के अंदर जो है ये इनकी एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रही होती है। सो नेक्स्ट अगर हम डायग्राम की बात करें सिंगल थ्रेडेड और मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस, बेसिकली दो तरह से जो है वो प्रोसेसेस होते हैं थ्रेड्स की, हम ये कह सकते हैं कि दो बेसिकली टाइप्स हैं, एक सिंगल थ्रेड होते हैं और एक मल्टीपल थ्रेड होते हैं। सो अगर हम बात करें सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस की तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एक प्रोसेस जो है उसका कोर सेक्शन भी होता है, डाटा सेक्शन भी होता है और उसकी फाइल्स भी होती हैं, कुछ रजिस्टर्स होते हैं और कुछ स्टैक्स होते हैं। सो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है और प्रोसेस के अंदर ये एक थ्रेड क्रिएट किया गया है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि एक ये एक सिंगल थ्रेड प्रोसेस है, दैट मीन्स कि एक प्रोसेस जो है वो एक सिंगल थ्रेड के थ्रू ही काम कर सकता है। अब इसमें अगर मैं बताऊँ हर प्रोसेस के अंदर जो थ्रेड होता है ना वो कोड भी उसका सेम होता है, जो प्रोसेस का होता है वही थ्रेड का होता है, जो डाटा होता है प्रोसेस का वही थ्रेड का होता है, जो फाइल्स होती हैं वो भी थ्रेड की सेम होती हैं। सो ये सेम होता है एक प्रोसेस का और एक थ्रेड का, बट जो आपकी आपके रजिस्टर्स हैं, आपके स्टैक्स हैं और इसके अलावा एक थर्ड आप में यहाँ पर आपके पास एक थर्ड पॉइंट होता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर के अंदर बेसिकली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस सेव होता है, सो बेसिकली जो है वो भी थ्रेड का अपना होता है। सो थ्रेड के रजिस्टर्स भी अपने हुए, प्रोग्राम काउंटर भी अपना हुआ, स्टैक भी अपना हुआ। सो अगर मैं बात करूँ दूसरी डायग्राम की, सेकंड डायग्राम मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस, अब इसके अंदर एक सिंगल थ्रेड को शो किया गया है जबकि इसके अंदर जो है वो मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस को शो किया गया है। अब ये आप देख सकते हो कि कोड डाटा फाइल्स ये सेम है और हर थ्रेड का जो है वो रजिस्टर और स्टैक अपना है, दूसरे सेकंड पे भी आप देख सकते हो रजिस्टर और स्टैक अपना है और इस तरह आप थर्ड पे भी देख सकते हो रजिस्टर और स्टैक अपना है। सो ये बेसिकली था सिंगल और मल्टी थ्रेड प्रोसेस का। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपके पास एक जो है वो सिस्टम के अंदर आठ प्रोसेसर हैं लेकिन एक प्रोसेस के अंदर थ्रेड ही एक है तो आप सिर्फ उसको एक प्रोसेसर के ऊपर ही रन करवा सकते हो, बाकी प्रोसेसर जो है वो उस टाइम खाली रहेंगे, ठीक है। तो इस हवाले से जो आपका रिस्पांस है वो भी लेट होगा और स्पीड जो है वो भी जाहिर सी बात है स्लो। तो मल्टी थ्रेडेड का हमें ये फ़ायदा होता है कि एक टास्क को जब हम डिफरेंट सब टास्क के अंदर डिवाइड कर देते हैं ना, लाइक मैंने आपको पहले स्टूडेंट और असाइनमेंट वाली एग्जांपल दी है, सो उससे काम क्या हो जाता है, जल्दी हो जाता है, रिस्पॉन्सिवनेस इंक्रीज़ हो जाती है। सो इसी हवाले से मल्टी थ्रेडेड का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि जो है आपका रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है जी। तो बेसिकली ये था आपके पास सिंगल और मल्टी थ्रेड प्रोसेस का के बारे में। अब मैं बेसिकली अगर आपको बताऊं आपके सिस्टम के अंदर प्रोसेस और थ्रेड किस तरह से शो हो रहे होते हैं तो वो मैं आपको यहाँ पे शो करवा देती हूँ, जस्ट वेट अ लिटिल सेकेंड जी। तो ये आप देख सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली आपको चीज़ें करवाई जाएँ तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा आपको समझ आता है। तो अगर आप अपने सिस्टम के अंदर विंडोज़ टास्क मैनेजर के अंदर जाएं तो आपने सबसे पहले जो है वो क्लिक करना है इस ग्रीन बटन के ऊपर, यहाँ पे शो भी किया गया है, आपने इस ग्रीन बटन के ऊपर शो कर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको इस तरह की एक विंडो शो होगी जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट आपको प्रोसेसेस जो हैं वो शो हो रहे होंगे। लाइक ये देखें, ये डिफरेंट प्रोसेस जो हैं वो क्रोम के, अब मेरे सिस्टम के अंदर chrome.exe ये एक क्रोम के डिफरेंट जो है वो इतने प्रोसेस जो हैं वो मैंने ओपन किए हुए हैं और ये डिफरेंट प्रोसेस शो हो रहे हैं। अब इसके बाद जो है मैं अगर किसी भी प्रोसेस के ऊपर, लाइक जैसे मैंने आपको ये बताया, अब मैं इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करती हूँ, लाइक ये देखें मैंने chrome.exe ऊपर के इसके ऊपर मैंने अगर क्लिक किया है तो इसके बाद मुझे एक विंडो शो होगी
ठीक है जी, जिसमें डिटेल उस प्रोसेस के अंदर जितने भी थ्रेड रन हो रहे हैं उनकी एक कंप्लीट डिटेल शो होगी, जिसको यहाँ पे वो शो कर देगा। लाइक आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था कि जब भी एक थ्रेड क्रिएट होता है तो उसकी एक थ्रेड आईडी होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आप ये देखो, एक जो क्रोम मैंने ओपन किया हुआ है, ये एक प्रोसेस है। जब इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो उस प्रोसेस के अंदर मैंने, लाइक अगर एक गूगल क्रोम की मैं बात करूँ तो वो एक प्रोसेस है। अब उस प्रोसेस, उस गूगल क्रोम के अंदर मैंने मल्टीपल टैब्स ओपन किए हुए हैं तो वो उसके थ्रेड्स कहलाते हैं। तो अब ये देखें कि मैंने एक क्रोम के अंदर इतने टैब्स ओपन किए हुए हैं और ये उनकी डिफरेंट जो है वो थ्रेड आईडीज़ यहाँ पे शो की गई हैं, ये आप देख भी सकते हो। अब जो है एक थ्रेड का जो है वो स्टार्टिंग एड्रेस भी यहाँ पे ये शो करता है हमारा सिस्टम, उसका स्टैक बेस क्या है, स्टैक लिमिट क्या है, उसका स्टैक साइज, ठीक है जी। तो ये इसकी डिटेल थी हमारे पास मल्टी थ्रेडेड आपके कंप्यूटर में किस तरह से जो है वो शो होते हैं, ये आप देख भी सकते हैं अपनी विंडोज़ टास्क मैनेजर के अंदर जाके। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी एमडॉल्स लॉ। एमडॉल्स लॉ बेसिकली हमें क्या कहता है, आइडेंटिफाइज परफॉर्मेंस गेंस फ्रॉम एडिंग एडिशनल कोर्स टू एन एप्लीकेशन दैट हैज़ बोथ सीरियल एंड पैरेलल कंपोनेंट्स। वो कहते हैं जी एक एप्लीकेशन है जिसके दो कंपोनेंट्स हैं, सीरियल और पैरेलल कंपोनेंट्स, तो जब हम उसमें एडिशनल कोर्स ऐड करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो गेन हो जाती है। बेसिकली जो एमडॉल्स लॉ है इसके थ्रू हम ये कर सकते हैं कि अगर कोई भी एप्लीकेशन सिक्वेंशियल फैशन में चलती है तो उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, और अगर वो पैरेलल फैशन में चलती है तो उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, कितना टाइम लिया उसने, ठीक है जी, कितना उसने एग्जीक्यूट हुआ है, वो सारा जो है वो हम एमडॉल्स लॉ के थ्रू जो है वो मैं कर सकते हैं। अब देखें, अगर इसका एस जो है वो सीरियल पोर्शन हो और एन प्रोसेसिंग कोर्स हो, मतलब इसके अंदर एन प्रोसेसिंग कोर्स लगे हुए, तो ये एक फार्मूला दिया हुआ है स्पीड अप का, वन ओवर एस प्लस वन माइनस एस ओवर एन, तो इसके थ्रू जो है वो आप स्पीड अप को मैं कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मेंशन है दैट इज़ इफ़ एप्लीकेशन इज़ 75% पैरेलल, लाइक उसने यहाँ पे अब एग्जांपल लिया कि अगर एक एप्लीकेशन 75% पैरेलल है और उसका 25% जो है वो सीरियल है, तो उसमें क्या होगा कि अगर आप करते हैं मूविंग फ्रॉम वन टू टू कोर्स, अगर आप एक कोर्स से दूसरी कोर्स तक मूव करते हैं, रिजल्ट्स इन स्पीड अप ऑफ 1.6 टाइम्स, तो उसकी जो स्पीड अप है वो 1.6 टाइम्स जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं यूज़र थ्रेड्स और कर्नल थ्रेड्स की एग्जांपल्स। बेसिकली हमने ये पीछे भी पढ़ा है कि दो तरह से थ्रेड्स होते हैं, यूज़र थ्रेड्स और कर्नल थ्रेड्स। यूज़र थ्रेड्स ऐसे थ्रेड्स होते हैं जो कि यूज़र मैनेज करते हैं, और कर्नल थ्रेड्स ऐसे थ्रेड्स होते हैं जो कि कर्नल लेवल पर मैनेज किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूज़र थ्रेड जैसे मैनेजमेंट डन बाई यूज़र लेवल थ्रेड लाइब्रेरी, थ्री प्राइमरी थ्रेड लाइब्रेरीज, पॉजिक्स। अब ये इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, पॉजिक्स पी थ्रेड्स, विंडोज थ्रेड्स और जावा थ्रेड्स। इसके बाद कर्नल लेवल थ्रेड्स जैसे थ्रेड्स होते हैं सपोर्टेड बाय द कर्नल, ठीक है जी। एग्जांपल्स इसकी दी हुई हैं वर्चुअली ऑल जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग विंडोज, सोलारिस, लिनक्स, 264, यूनिक्स, मैक, OS X, ये इनके एग्जांपल्स दिए हैं। और बेसिकली ये आपकी एग्जांपल्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं उनमें MCQs में ये पूछे जाते हैं, और ये आपका जो PPSC का एग्ज़ाम है उसके अंदर भी जो है ये इनकी एग्जांपल्स को जो है वो पूछा जा सकता है, तो ये आपने जो है वो लाजमी करने हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स के बारे में। मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स क्या हैं, बेसिकली तीन मॉडल्स हैं मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स के। पहला मॉडल जो है वो आपके पास है मैनी टू वन, दूसरा है आपके पास वन टू वन, और तीसरा है आपके पास मैनी टू मैनी। सो अगर मैं फर्स्ट वन पे डिस्कस करूँ मैनी टू वन को, तो इसमें आप देख सकते हो मैनी टू वन, दैट मीन्स ये मैनी यूज़र थ्रेड्स है, 1, 2, 3, 4 डायग्राम में 4 थ्रेड्स, यूज़र थ्रेड्स को शो किया गया है जो कि एक कर्नल लेवल थ्रेड के ऊपर जो है वो मैनेज किए जा रहे हैं। अब ये देखिए मैनी टू वन, इसके हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मैनी यूज़र लेवल थ्रेड्स मैप टू सिंगल कर्नल थ्रेड, इसी को डायग्राम में शो किया गया है कि यूज़र मैनी 4 यूज़र थ्रेड्स हैं जिनको एक कर्नल लेवल के ऊपर मैनेज किया जा रहा है। वन थ्रेड ब्लॉकिंग कॉजेज ऑल टू ब्लॉक। अब इसका हमें जो बेसिकली डिसएडवांटेज था इस मॉडल का, वो ये था कि अब देखें डायग्राम में अगर आप देखें तो 4 थ्रेड्स एक कर्नल के ऊपर मैप किए जा रहे हैं। सो लेट्स सपोज मैंने ये कहा कि ये जो
सेकंड पे आपका जो यूज़र थ्रेड है इसने ब्लॉक सिस्टम कॉल जनरेट की, लाइक इसको कोई भी काम पड़ गया और इसने जो है वो ब्लॉक सिस्टम कॉल जनरेट कर दी। अब जब ये ब्लॉक सिस्टम कॉल जनरेट करेगा और वो कर्नल के पास जाएगी तो कर्नल तो ब्लॉक मोड के अंदर चला जाएगा और आपके जितने भी बाकी रिमेनिंग जो आपके यूज़र थ्रेड्स है वो डेफिनेटली आपके जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे। सो इस सिस्टम का हमें बेसिकली ये एक नुकसान था। मल्टीपल थ्रेड्स में नॉट रन इन पैरेलल ऑन मल्टी कोर सिस्टम बिकॉज ओनली वन मे बी इन कर्नल एट अ टाइम। ये बात आपको डेफिनेटली समझ आ गई होगी कि जो मल्टीपल थ्रेड्स हैं उनको हम पैरेलली मल्टी कोर सिस्टम के ऊपर नहीं रन करवा सकते, क्योंकि आपका जो है एट द सेम टाइम एक ही जो है वो आपके कर्नल के ऊपर रन हो रहा होता है। फ्यू सिस्टम्स करंटली यूज दिस मॉडल, बहुत कम सिस्टम्स हैं नाउडेज जो इस सिस्टम को यूज़ करते हैं। अब इनकी डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे बताई गई हैं, सोलरस ग्रीन थ्रेड्स हैं और इसके अलावा जी एंड यू पोर्टेबल थ्रेड्स की बात की गई है। तो ये इनके एग्जांपल्स आपने अच्छे से कर लेनी है। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट आपका मॉडल है वो है जी 1-to-1 थ्रेड। 1-to-1 थ्रेड में क्या होता है, ईच यूजर लेवल थ्रेड मैप्स टू कर्नल थ्रेड। इसमें बेसिकली आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि हर कर्नल के ऊपर सिर्फ एक ही थ्रेड को जो है वो मैनेज किया गया है इस तरह से। फिर आप देख सकते हो एक कर्नल के ऊपर एक थ्रेड है, इस तरह थर्ड में आप देख सकते हो एक कर्नल के अंदर एक थ्रेड है, इस तरह फोर्थ के अंदर। तो ये आपके पास कर्नल थ्रेड्स हैं और ये यूज़र थ्रेड्स हैं। एक कर्नल थ्रेड के ऊपर एक ही थ्रेड को जो है वो मैनेज किया जा रहा है। बेसिकली ये एक अच्छा मॉडल है, क्योंकि देखें अगर आपके पास ये एक यूज़र थ्रेड ब्लॉक सिस्टम कॉल जनरेट करता है तो सिर्फ एक कर्नल ही ब्लॉक मोड में जाएगा। सो हम क्या करेंगे, हम इसको ब्लॉक मोड में डाल देंगे और हम नेक्स्ट को एग्जीक्यूट करवा देंगे। अगर नेक्स्ट भी ब्लॉक में जाता है तो हम नेक्स्ट को कर देंगे। सो ये आपके पास थोड़ा सा जो है वो पहले वाले से मैनी टू वन वाले मॉडल से ये बेस्ट मॉडल था। ईच यूज़र लेवल थ्रेड मैप्स टू कर्नल थ्रेड, क्रिएटिंग अ यूज़र लेवल थ्रेड क्रिएट्स अ कर्नल लेवल थ्रेड। जब भी एक यूज़र लेवल थ्रेड क्रिएट होगा वो आपके एक कर्नल लेवल थ्रेड को जो है वो क्रिएट कर देगा। मोर कंकरेंसी देन मैनी टू वन, इससे कंकरेंसी आपकी जो है वो बढ़ गई है। आप जो है, क्योंकि आप डिफरेंट प्रोसेसर के ऊपर जो है वो डिफरेंट थ्रेड्स को जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, इससे आपकी कंकरेंसी इंक्रीज हो गई है। इसके बाद है नंबर ऑफ थ्रेड्स पर प्रोसेस समटाइम्स। समटाइम्स क्या होता है कि आप नंबर ऑफ थ्रेड्स पर प्रोसेस समटाइम्स रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू ओवरहेड। अब क्या होता है, ये ओवरऑल बेसिकली सिस्टम के हवाले से भी बात की गई है कि सिस्टम समटाइम्स रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आप एक प्रोसेस के जो है वो इतने ही थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी, ड्यू टू ओवरहेड से बचने के लिए वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अब इनकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, लाइक विंडोज़ की बात की गई है, लिनक्स की बात की गई है, इसके अलावा जो है वो सोलारिस 9 एंड लेटर जो है वो जितनी भी आई हैं वो यूज़ करती हैं 1-to-1 मॉडल्स को। इसके बाद आपके पास जो थर्ड मॉडल था वो है जी मैनी टू मैनी मॉडल। अब इसमें अगर सबसे पहले हम डायग्राम को देखें तो डायग्राम में आप देख सकते हो कि आपके पास क्या है, आपके पास डिफरेंट कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं और डिफरेंट ही यूज़र थ्रेड्स हैं। अब देखें अगर यहाँ पे हम काउंट करें तो आपके पास 1, 2, 3, 4 यूज़र लेवल थ्रेड्स हैं और 3 कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं। तो अब इसमें आप क्या कर सकते हो कि हर यूज़र थ्रेड को जो है वो डिफरेंट कर्नल लेवल थ्रेड के ऊपर आप एग्जीक्यूट करवा सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे 4 थ्रेड्स हैं यूज़र लेवल थ्रेड्स हैं और 3 कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं, तो अगर मैं हर एक को इंडिविजुअल कर्नल लेवल थ्रेड के ऊपर एग्जीक्यूट करवा दूं, लाइक इसको मैंने इसके ऊपर करवा दिया, दूसरे यूज़र लेवल थ्रेड को दूसरे कर्नल लेवल थ्रेड के ऊपर और तीसरे को मैंने तीसरे पे करवा दिया, तो इसका जो फोर्थ यूज़र लेवल थ्रेड है वो फिर कैसे जनरेट होगा, या तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा या उसको वेट करना पड़ेगा, तो इसमें फिर इसको क्या किया जाएगा, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। Allows many user level threads to be mapped to many kernel threads. इसमें क्या होता है कि many user level threads को आप mapped करते हैं many kernel level threads के ऊपर। Allows the operating system to create a sufficient number of kernel threads. ये क्या होता है
ये ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ करता है कि आपने एक सफिशेंट नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड जो है वो क्रिएट करने हैं। इसकी एग्जांपल है सोलर स्पायर 2 वर्जन 9, वो इस मॉडल को यूज़ करते थे। बेसिकली ये भी कोई इतना ख़ास अच्छा मॉडल नहीं था, क्योंकि देखिए 3 को तो हम 3 पे चला देंगे, फिर बाकी ये कहाँ जाएगा। सो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम थी। और इसकी एग्जांपल है विंडोज़ विद द थ्रेड फाइबर पैकेज। अब बेसिकली अगर इन तीनों मॉडल में से मैं बात करूँ तो आपका जो पहला मॉडल है वो बेस्ट मॉडल है, सॉरी सेकंड जो मॉडल है जिसमें हमने बात की थी 1-to-1 मॉडल की। इसमें हम क्या होता है कि अगर एक ब्लॉक भी होता है तो हम दूसरे को एग्जीक्यूट करवा देते हैं, दूसरे ब्लॉक होता है तो हम तीसरे को करवा देते हैं। सो ओवरऑल इन तीनों मॉडल में से जो एक बेस्ट मॉडल अगर कहा जाए तो वो आपके पास 1-to-1 मॉडल था। इसके बाद है जी हमारे पास 2-level मॉडल। 2-level मॉडल जैसे हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में बात की मैनी टू मैनी मॉडल में, कि आपके पास मल्टीपल कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं और मल्टीपल ही आपके पास यूज़र थ्रेड्स हैं। तो बेसिकली जो मैंने कहा था, जो एक बच जाएगा, मतलब आपने 3 को तो 3 कर्नल लेवल थ्रेड्स पे एग्जीक्यूट करवा दिया है, तो जो आपके पास एक कर्नल एक यूज़र लेवल थ्रेड बच जाएगा तो उसको फिर क्या करना पड़ेगा। सो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम उसको ब्लॉक करेंगे, उसको डेफिनेटली वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, आप जैसे ही ये यूज़र लेवल थ्रेड फ्री करेगा कर्नल को, तो हम ये वाला जो थ्रेड है वो इसको इस कर्नल लेवल को जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए असाइन करवा देंगे। सिमिलर टू मैनी एक्सेप्ट दिस इट अलाउज़ अ यूज़र थ्रेड टू बी बाउंड टू द कर्नल थ्रेड। एग्जाम्पल जिसकी है जी IRIX, HPUX, True64, UNIX, SolarS8 एंड अर्लियर। सो ये बेसिकली इसकी एग्जाम्पल्स थी 2-level मॉडल्स की। सो यहाँ तक आई थिंक सो आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी लेक्चर की। हमने बेसिकली क्या पढ़ा है, हमने थ्रेड की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा है, थ्रेड क्या है और थ्रेड किस तरह से जो है वो काम करता है। और थ्रेड के अंदर थ्रेड जो है वो एक, इसको आप कह सकते हैं कि एक CPU यूटिलाइजेशन की, CPU की यूटिलाइजेशन को मुहैया करने के लिए एक यूनिट है। और इसके अलावा हमने एमडॉल्स लॉ के बारे में पढ़ा कि एक एप्लीकेशन के सीरियल और पैरेलल पोर्शन को लेके हम उसकी स्पीडअप को किस तरह से मुहैया कर सकते हैं। और इसमें इसके अलावा जो है हमने मॉडल्स को डिस्कस किया है। इसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं जी हाइपर थ्रेडिंग। अब बेसिकली हाइपर थ्रेडिंग, या हम इसको कह सकते हैं सिमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग, SMT, ये जैसे कॉन्सेप्ट आपको मैंने पहले बताया है कि आपके पास जो है बेसिकली सिस्टम के अंदर डिफरेंट कोर्स जो हैं वो लगे होते हैं। अब हाइपर थ्रेडिंग हमें क्या कहती है कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरे सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही कोर लगा हुआ है, एक ही प्रोसेसर है, लेकिन मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं उस कोर के ऊपर डिफरेंट अपनी जो मेरी एप्लीकेशन है उसको मैं डिवाइड करके रन करवाना चाहती हूँ। लाइक एक प्रोसेस है तो मैं उसके थ्रेड्स को भी एग्जीक्यूट करवाना चाहती हूँ। ये मेरा एक जो है वो मोटिव है या मेरा एक टास्क है, मैंने इसको करना है। सो बेसिकली ये हमें एडवांटेज मिलता है हाइपर थ्रेडिंग से। हाइपर थ्रेडिंग बेसिकली हमें क्या कहती है, हाइपर थ्रेडेड सिस्टम अलाउज देयर प्रोसेसर कोर्स रिसोर्सेज टू बिकम अ मल्टीपल लॉजिकल प्रोसेसर्स फॉर परफॉर्मेंस। अब आप डायग्राम में देख सकते हो कि सिर्फ एक ही प्रोसेसर आपके सिस्टम के अंदर ये लाइक ये लगा हुआ है। अब हम इसको इस एक प्रोसेसर जो आपका फिजिकली आपके सिस्टम के अंदर अटैच है, इसको हम मल्टीपल लॉजिकल प्रोसेसर के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। अब वो कैसे, अब होता ये है कि बेसिकली फिजिकली एक ही लगा होता है, लेकिन हम उसको लॉजिकली जो है वो डिफरेंट प्रोसेसर के अंदर डिवाइड कर देते हैं। क्यों करते हैं, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि हमने कहा कि हम एक एप्लीकेशन को डिवाइड करके रन करवाना चाहते हैं जिससे उसकी परफॉर्मेंस, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सो अब ये हाइपर थ्रेडिंग हमें अलाउ करती है, इट इनेबल्स द प्रोसेसर टू एग्जीक्यूट 2 threads। ठीक है ना, वही बात कि अगर एक प्रोसेस है तो उसको लॉजिकली मैं 2 processor के अंदर डिवाइड कर लूँगी। सो उससे मुझे क्या एडवांटेज मिलेगा कि एट द सेम टाइम मेरे 2 threads जो हैं वो एक ही प्रोसेसर, एक ही सिंगल फिजिकल प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूट होंगे। आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एट द सेम टाइम, सो सेम टाइम पे क्या होगा, 2 threads मेरे एग्जीक्यूट होंगे, या उनको हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोल सकते हैं,
सिंस हाइपर थ्रेडिंग अलाउज टू स्ट्रीम्स टू बी एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक हैविंग टू सेपरेट प्रोसेसेस वर्किंग टूगेदर। इसको हम हाइपर थ्रेडिंग बेसिकली हमें ये शो करवाती है कि आपके आपके सिस्टम के अंदर दो प्रोसेसर लगे हुए हैं और वो सेपरेटली जो है वो वर्क कर रहे हैं एक साथ, ठीक है। अब अगर आपने अपने सिस्टम के अंदर हाइपर थ्रेडिंग को चेक करना हो तो इसका मेथड मैं आपको बता दूं, आप किस तरह से चेक कर सकते हैं प्रैक्टिकली अपने सिस्टम के अंदर हाइपर थ्रेडिंग आपके सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट हुई हुई है या नहीं हुई हुई, तो आप इसको भी चेक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, लाइक आप सबसे पहले अपने सिस्टम के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाओगे और उस कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आप राइट करोगे WMIC। सो जब आप WMIC राइट करोगे तो ये आपके पास इस तरह कुछ होगा, WMI विंडोज़ मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, विंडोज़ मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, इस तरह की एक जो लाइन है वो आपके पास शो होगी। अब आपने ये बेसिकली क्या है, इट इज़ अ मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू कंट्रोल ओवर अ सिस्टम, मतलब एक सिस्टम के अंदर जो भी आपका मतलब इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर ये आपको कंट्रोल जो है वो परफॉर्म करवाता है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, WMIC के बाद आपको पता है आप इंफ्रास्ट्रक्चर में चले गए हो WMIC के बाद, इसके बाद आप अपने सिस्टम के अंदर राइट करेंगे CPU get number of cores। इससे क्या चेक होगा कि आपके सिस्टम के अंदर जो है वो कितने कोर्स, बेसिकली फिजिकली कितने कोर्स लगे हुए हैं ना। देखिए मैंने यहाँ पे राइट किया CPU get number of cores, तो उसने मुझे ये बता दिया कि नंबर ऑफ़ कोर्स आपके सिस्टम के अंदर फिजिकली दो लगे हुए हैं। अब इसके बाद मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या वो दो फिज़िकल जो मेरे प्रोसेसर लगे हुए हैं क्या उनको लॉजिकली डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, या नहीं किया हुआ। सो इसको मैं चेक करूँगी किसके थ्रू, मैं एक कमांड लिखूँगी CPU get number of cores, जैसे मैंने ऊपर राइट किया, ये मुझे ओरिजिनल कोर्स के बारे में बताएगा जो मेरे सिस्टम के अंदर फिजिकली अटैच हैं, और इसके बाद मैं राइट करूँगी डॉट नंबर ऑफ लॉजिकल प्रोसेसर्स। तो अब आप आपको ये नीचे शो कर देगा, जैसे आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ कोर्स तो आपके सिस्टम के अंदर दो हैं लेकिन फिज़िकली जो वो लगे हुए हैं वो दो हैं और जो लॉजिकल प्रोसेसर्स हैं वो आपके फोर अटैच हैं। तो इस तरह से ये आप अपने सिस्टम के अंदर चेक कर सकते हो। ये मैंने कुछ एडिशनल स्लाइड्स आप लोगों के लिए ऐड की थी ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो और आप प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को देख सकें कि किस तरह से आपके सिस्टम के अंदर जो है वो हाइपर थ्रेडिंग को इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है जी हमारी थ्रेड लाइब्रेरीज़ के बारे में। सो लाइब्रेरीज़ के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा प्रोग्रामिंग के अंदर भी कि आपकी डिफरेंट लाइब्रेरीज़ जो हैं वो बिल्ट इन होती हैं डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए। इस तरह से थ्रेड की भी कुछ लाइब्रेरीज़ होती हैं। बेसिकली आप जो है मल्टी थ्रेडेड या मल्टी प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए या पैरेलल कंप्यूटिंग को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो है वो हम थ्रेड लाइब्रेरीज़ को यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए थ्रेड लाइब्रेरीज़ को कि हम थ्रेड लाइब्रेरीज़ को क्यों यूज़ करते हैं, तो आप इसका ये आंसर लिख सकते हैं कि पैरेलल कंप्यूटिंग या फिर मल्टी प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जो है मल्टी थ्रेडेड थ्रेड लाइब्रेरीज़ का जो है वो यूज़ करते हैं। थ्रेड लाइब्रेरीज़ बेसिकली प्रोवाइड प्रोग्रामर विद API फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग थ्रेड्स, टू प्राइमरी वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग। बेसिकली एक जो थ्रेड को है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए दो तरह से लाइब्रेरीज़ हमारे पास मौजूद हैं। पहली जो आपके पास लाइब्रेरी है वो ये हमें कहती है कि जो लाइब्रेरी है वो इंटायरली मुकम्मल तौर पे जो है वो यूज़र स्पेस के अंदर इम्प्लीमेंट करवाई जाएगी, मतलब उसका किसी भी हवाले से जो है वो लिंक नहीं होगा कर्नल लेवल थ्रेड के साथ। अब अगर हम कर्नल लेवल लाइब्रेरी की बात करें तो कर्नल लेवल लाइब्रेरी जो है वो OS आपको सपोर्ट करेगा और इसका कोई लिंक नहीं होगा आपकी यूज़र स्पेस के साथ। सो बेसिकली हमने क्या पढ़ा, दो तरह से लाइब्रेरीज़ हैं, एक आपकी मुकम्मल तौर पे कम्प्लीटली जो है वो यूज़र स्पेस है और दूसरी जो आपकी लाइब्रेरी है वो कम्प्लीटली आपके OS के रिलेटेड है। सो ये था आपके पास थ्रेड लाइब्रेरीज़ के हवाले से। इसके बाद अगर मैं बात करूँ पी थ्रेड्स की, बेसिकली जो पी थ्रेड्स है ना ये आपके हैं जी, इनको हम कहते हैं POSIX थ्रेड्स,
बेसिकली पी से मुराद है पॉजिक्स थ्रेड। पॉजिक्स आपको पता है एक सिस्टम है, पॉजिक्स थ्रेड्स की बात करते हैं। मे बी प्रोवाइडेड आइदर एज यूजर लेवल और कर्नल लेवल। अब जो आपके पॉजिक्स थ्रेड हैं ये या तो यूजर लेवल भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं या कर्नल लेवल भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। अब पॉजिक्स स्टैंडर्ड IEEE 1003.1 CAPI फॉर थ्रेड क्रिएशन एंड सिंक्रोनाइजेशन। एक पॉजिक्स स्टैंडर्ड है जिसका यहाँ पे नेम भी मेंशन है IEEE 1003.1 C। ये इस स्टैंडर्ड का जो है वो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये एक नेम है, एक पॉजिक्स स्टैंडर्ड है जो कि थ्रेड की क्रिएशन और सिंक्रोनाइजेशन के हवाले से जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। और बेसिकली ये एक स्पेसिफिकेशन है, ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ठीक है। मतलब स्पेसिफिकेशन जो है ना ये हमें बिहेवियर के बारे में बताता है, जबकि इम्प्लीमेंट लेवल की अगर हम बात करें तो आपको पता है इम्प्लीमेंट लेवल पे तो हम किसी भी थ्रेड की डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हम थ्रेड डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम सिर्फ उस सिस्टम की बिहेवियर की बात कर रहे हैं। सो बिहेवियर में हमें ये बताएगा कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। ये स्टैंडर्ड हमें सिर्फ स्पेसिफिकेशन के बारे में बताएगा। API specifies behavior of the thread library, implementation is up to development of the library, ठीक है ना, वही बात होगी कि API जो है ये जो आपका स्टैंडर्ड है ये हमें थ्रेड लाइब्रेरी के बिहेवियर के बारे में बताएगा, और जो इम्प्लीमेंटेशन होती है ना ये आपकी लाइब्रेरी की डेवलपमेंट के हवाले से बात होती है, इसकी हम यहाँ पे बात नहीं करते। कॉमन इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कॉमन है। लाइक हम एग्जांपल्स में देखें सॉलिडिक्स है, लाइनक्स है, मैक OS X सिस्टम की हम बात करते हैं। सो यहाँ तक आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ पी थ्रेड्स एग्जांपल्स की, तो ये आपकी पॉजिक्स थ्रेड्स की कुछ एग्जांपल्स हैं। ये बेसिकली लैब का वर्क है तो इसको मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि ये हम जब प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो तब इस कोड को जो है वो मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट स्लाइड भी जो है वो कंटिन्यूड है पी थ्रेड्स एग्जांपल्स के हवाले से। इसी तरह से पी थ्रेड्स कोड फॉर जॉइनिंग 10 थ्रेड्स, इसके हवाले से जो है वो एक कोड को यहाँ पे शो किया गया है। बेसिकली ये जो आपका सारा काम है ना कोडिंग का, ये जब आप परफॉर्म करेंगे ना लैब के अंदर, तो ये आपको जो है जब आप काम करेंगे अबंटू के साथ, अबंटू सिस्टम के साथ, जब आप अबंटू को इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम के अंदर, तो तब जो है हम इनको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे और इनको हम इंशाल्लाह से इम्प्लीमेंट भी करेंगे, ठीक है जी। तो ये आपका टोटल जो है ये आपकी कोडिंग जो है इसको हम अभी नहीं देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड भी जो है वो आपकी कोडिंग के हवाले से है, ये भी हम इंशाल्लाह से लैब में करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड जावा थ्रेड्स, ये भी आपकी ये टोटली मल्टी प्रोग्रामिंग के हवाले से है, जावा मल्टी थ्रेडेड। यहाँ तक आपका जो है ये कोड, ये हम लैब के हवाले से लैब के अंदर इसको इंशाल्लाह से इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो एक टॉपिक स्टार्ट होता है इम्प्लीसिट थ्रेडिंग। लाइक मैंने आपसे पीछे डिस्कस किया कि आपके पास डिफरेंट टू टाइप्स हैं थ्रेड्स की, इम्प्लीसिट थ्रेडिंग और एक्सप्लीसिट थ्रेडिंग। लाइक अगर मैं बात करूँ, अगर मैं अब आपको ना डिटेल में पहले बता देती हूँ कि इम्प्लीसिट थ्रेडिंग क्या होती है और एक्सप्लीसिट थ्रेडिंग क्या होती है, फिर मेरे ख्याल से आपको ये ना बहुत इजी हो जाएगा समझने में इसका कॉन्सेप्ट कि इम्प्लीसिट थ्रेडिंग बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है और एक्सप्लीसिट थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। सो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ इम्प्लीसिट थ्रेडिंग की, इम्प्लीसिट थ्रेडिंग क्या होती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम या इसको हम ये कह सकते हैं कि ये मशीन डिपेंडेंट होती है। अगर कोई भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है या फिर कंपाइलर या फिर बिल्ट इन फंक्शंस, तो वो आपकी इम्प्लीसिट थ्रेडिंग होगी, ठीक है जी। और अगर मैं बात करूँ एक्सप्लीसिट थ्रेडिंग की, तो कोई भी वो प्रोग्राम जो कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर कर रहा होता है, जिसने जो है कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप किया और उसने ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी भी प्रोसेस को चेंज कर दिया, लाइक सिस्टम कहता है कि इतने नंबर ऑफ थ्रेड्स बनेंगे लेकिन प्रोग्रामर कहता है कि मैं इतने नंबर ऑफ थ्रेड्स बनाऊंगा, तो इसे हम कहते हैं जी एक्सप्लीसिट थ्रेडिंग।
बेसिकली बहुत इजी कॉन्सेप्ट के इम्प्लिसिट थ्रेडिंग जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करवाता है कर्नल लेवल पे, और जो एक्सप्लिसिट थ्रेडिंग है वो आपका यूज़र लेवल पे जो प्रोग्रामर होता है वो खुद उसको डिसाइड करता है, वो खुद उसको परफॉर्म करवाता है। ठीक है जी, ये इसका एक ब्रीफ आइडिया था इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के हवाले से। अब हम हमारे इस चैप्टर के अंदर हमने जिसको डिटेल में डिस्कस करना है वो है जी इम्प्लिसिट थ्रेडिंग। ग्रोइंग इन पॉपुलरिटी एज नंबर ऑफ थ्रेड्स इंक्रीजेज, जैसे जैसे आपके जो है नंबर ऑफ थ्रेड्स इंक्रीज कर रहे हैं, प्रोग्राम करेक्टनेस मोर डिफिकल्ट विद एक्सप्लिसिट थ्रेड। एक्सप्लिसिट थ्रेड में हमें इश्यूज आने लगे प्रोग्राम करेक्टनेस के हवाले से, जो है वो हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करना पड़े। जैसे अगर मैं बात करूँ अगर 2, 4 या 8 थ्रेड्स हैं तो उनको मैनेज करना आसान है, लेकिन अगर आपके पास 15-20 एप्लीकेशंस हैं एक साथ कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रही हैं और उनके थ्रेड्स भी हैं तो उनको मैनेज करना डेफिनेटली मुश्किल काम है। अगर मैं बात करूँ कि एक 20 एप्लीकेशंस हैं और हर एप्लीकेशन के 4-5 थ्रेड्स हैं तो जाहिर सी बात है एक प्रोग्रामर के लिए उसको मैनेज करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। और यही बात यहाँ पे की जा रही है कि एक्सप्लिसिट थ्रेडिंग जो है वो एक मुश्किल टास्क है। सो अगर हम बात करें इसको हमने फिर जो है वो एक्सप्लिसिट को छोड़ के हमारी इम्प्लिसिट थ्रेडिंग पे, इम्प्लिसिट थ्रेडिंग हमें क्या बोलती है, क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ थ्रेड्स डन बाय कंपाइलर्स एंड रन टाइम लाइब्रेरीज रादर देन प्रोग्रामर्स। अब देखें, मैंने आपको कहा था ना कि एक्सप्लिसिट थ्रेडिंग जो है वो प्रोग्रामर जो है वो डिसाइड करता है, और प्रोग्रामर के लिए फिर एक कॉम्प्लेक्स टास्क हो गया जब जैसे जैसे नंबर ऑफ थ्रेड्स इंक्रीज करते गए। अब इसमें क्या है कि इम्प्लिसिट थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल खुद डिसाइड करता है कि मैंने किस तरह से क्रिएशन करनी है और किस तरह से थ्रेड्स की मैंने मैनेजमेंट करनी है। अब प्रोग्रामर ये डिसाइड नहीं करेगा, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम खुद डिसाइड करेगा। इसके लिए 3 मेथड्स हैं बेसिकली। फर्स्ट मेथड है थ्रेड पूल, सेकंड पे है ओपन एमपी और थर्ड पे है आपके पास ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच, जिसको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली 3 मेथड्स हैं इम्प्लिसिट थ्रेडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह से आपने उनको बताना है, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि इम्प्लिसिट थ्रेडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन से 3 मेथड्स हैं, तो आपने उनको बताना है थ्रेड पूल्स, ओपन एम पी, ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच। और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इंशाल्लाह हम पार्ट टू में हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप इनको फिर डिटेल में भी लिख सकते हो। अदर मेथड्स इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट थ्रेडिंग, बिल्डिंग ब्लॉक्स, TBB, जावा अनटिल कंकरेंट पैकेजेस, तो ये इनके कुछ अदर मेथड्स भी है इनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। लेकिन जो बेसिकली 3 कॉमन थे ना, वो आपके पास थ्रेड पूल्स हैं, ओपन एमपी और ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच की ही हम बात करते हैं। सो बेसिकली वीडियो के पार्ट वन में हम यहीं तक इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे जो है वो वीडियो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से लंबा हो जाएगा, टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो आपको कोई इशू ना हो तो मैं इसके लिए जो है एक पार्ट 2 इंशाल्लाह रिकॉर्ड करूँगी, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। कुछ जो है वो स्लाइड्स चैप्टर नंबर 4 की रह गई हैं, वो इंशाल्लाह मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूँगी। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। बेसिकली इस लेक्चर में हमने थ्रेड्स के इंट्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ा है कि थ्रेड्स क्या हैं, थ्रेड्स के कितने मॉडल्स हैं, एमडॉल्स लॉ में क्या कहता है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट थ्रेडिंग का एक जो कॉन्सेप्ट है ये आपने नहीं भूलना प्लीज़। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हमने क्यों एक्सप्लिसिट थ्रेडिंग को हमने स्किप किया और हम इम्प्लिसिट थ्रेडिंग में आए। बेसिकली क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो टेक्नोलॉजी आपकी प्रोग्रेस टेक्नोलॉजी कर रही है, उसी हवाले से हमारे जो नंबर ऑफ़ थ्रेड्स हैं वो भी जाहिर सी बात इंक्रीज़ करेंगे। सो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ थ्रेड्स इंक्रीज़ करेंगे, सो एक ह्यूमन के लिए, एक प्रोग्रामर के लिए उसको मैनेज करना एक सिस्टम के अंदर कि किस तरह वो लोड करेगा, किस तरह से वो डाटा को सप्लीट करेगा, किस तरह से, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में मेंशन पढ़ा कि प्रोग्रामर के ऊपर जो है वो एक प्रेशर आ जाता है कि उसने किस तरह से चीज़ों को टैकल करना है, किस तरह से उनको मैनेज करना है। सो इन चीज़ों को डील करने के लिए, इन चीज़ों को देखने के लिए फिर वो हमने एक्सप्लिसिट थ्रेडिंग को जो है वो स्किप किया और हम फिर मूव ऑन कर गए इम्प्लिसिट थ्रेडिंग के ऊपर। इम्प्लिसिट थ्रेडिंग का हमें ये बेसिकली एडवांटेज हुआ
कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से डिसाइड करेगा कि उसने क्या करना है, उसने किस तरह से लोड बैलेंसिंग करवानी है, किस तरह से जो है वो डाटा को सेपरेट करेगा, और वो खुद ही मैनेज करेगा कि इतना अगर मेरे पास लोड है तो मैंने इस चीज़ को किस तरह से जो है वो हैंडल आउट करना है। सो बेसिकली एक मैं अगर शॉर्ट आइडिया थ्रेड का बताऊँ तो थ्रेड एक सा पार्ट है एक प्रोसेस का, और थ्रेड अगर आपके पास MCQs के अंदर भी आता है तो आपने जो है थ्रेड जो है एक सब पार्ट है एक प्रोसेस का, और एक प्रोसेस के अंदर जो है वो डिफरेंट मल्टीपल थ्रेड जो है वो क्रिएट किए जा सकते हैं। और इसके अलावा एक शॉर्ट डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि जो थ्रेड है वो आपके पास जो है वो एक यूनिट है, CPU की यूटिलाइजेशन को मैय करने के लिए एक यूनिट है। सो बेसिकली ये था आपके पास हमारे थ्रेड के हवाले से। नेक्स्ट इंशाल्लाह पार्ट टू में जो है वीडियो के पार्ट टू में मैं चैप्टर नंबर 4 को हम कवर करेंगे, और इसके बाद इंशाल्लाह हम मूव ऑन करेंगे चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। सो आई थिंक सो ये आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।